आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। बिजनौर की 8 सीटों पर 14 फरवरी को चुनाव होना है। इसी कड़ी में आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बिजनौर की नूरपुर सीट से ताजपुर में पहुंचे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बिजनौर की 8 सीटों पर कमल खिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले गुंडों का राज चलता था, बीजेपी की सरकार आने पर अपराधियों को बिल के बाहर निकलने की सजा दी गई है। लखीमपुर खीरी के विकासखंड मितौली में उत्तर प्रदेश सरकार के प्राथमिक शिक्षा मंत्री जितिन प्रसाद ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। जनसभा से पहले मंत्री जितिन प्रसाद का जोरदार स्वागत किया गया। मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि यह मेरा पुराना राजनीतिक क्षेत्र रहा है, आप लोगों से मुझे आशीर्वाद देकर केंद्रीय मंत्री तक पहुंचाया है। इसी के साथ इलाके में विकास कार्यों को तेजी से बढ़ावा दिया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने लोगों से वोट के लिए खास अपील की। जनता पार्टी पूरी दमदारी से मैदान में है। 5 साल का जो कार्यकाल प्रदेश सरकार का है और 7 साल केंद्र सरकार का है, जनता का अपार समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है और मेरा तो पूरा प्रदेश भर में भ्रमण हुआ है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ 300 का आंकड़ा करके पुनर्वापसी भारतीय जनता पार्टी सरकार उत्तर प्रदेश में होने वाली है। धन्यवाद। खबर औरैया से है। जिले के 202 बिथुना विधानसभा से जहां बसपा प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बिथुना क्षेत्र के बेला भदौरा मार्ग स्थित मैदान में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती ने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। इसी के साथ उन्होंने जनता से अपील करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि चुनाव में भारी मतों से वोट देकर बीजेपी पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंके। बस्ती में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री रामप्रसाद चौधरी ने राजकीय इंटर कॉलेज के निकट स्थित आवास पर सपा के सभी 5 प्रत्याशियों के सामूहिक प्रेस वार्ता की। इस दौरान रुधौली नगर पंचायत चेयरमैन धीरसेन निषाद, जिला पंचायत सदस्य राजेश कुमार पटेल, पूर्व जिला पंचायत सदस्य शिव सहाय चौधरी, राम गणेश चौधरी, बसपा और भाजपा छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री रामप्रसाद चौधरी ने कहा कि सपा कार्यकर्ताओं मतदाताओं में विशेष उत्साह है, वह बदलाव का मन बना चुके हैं। उन्होंने कहा कि मतदान के प्रथम चरण से ही संकेत मिलने लगा है कि इस बार समाजवादी गठबंधन की सरकार बनेगी। आप घोषणा पत्र संकल्प पत्र उनका पढ़ लीजिए, उसमें लिखा है कि 120 दिनों के अंदर मिल मालिकों से पाई पाई उत्तर प्रदेश के किसानों का भुगतान कराने का काम करें। उसमें लिखा था कि जिस बैंक से उनका क्रेडिट है उस बैंक के मैनेजर को और मिल मालिक के मैनेजर को बैठा करके सामंजस्य करके 4 महीने के अंदर पाई पाई भुगतान कराने का काम करेंगे। आपके बगल में, हमारे बगल में ही वाल्टरगंज की मिल है, रुधौली की मिल है। 5 साल बीत गया, एक नया पैसा भी मौजूदा सरकार ने भुगतान कराने का काम नहीं किया। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि 15 दिनों के अंदर किसानों के गन्ने का एक एक पाई भुगतान कराने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, वाल्टरगंज की मिल चलाने का काम
हम लोग कोशिश करके निश्चित रूप से चलवाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हर पार्टी अपनी जीत हासिल करने के लिए गांव-गांव भ्रमण कर जनता को अपने पक्ष में वोट करने की अपील करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में मैनपुरी की करहल की सीट पर आगामी तृतीय चरण की 20 तारीख को वोटिंग होगी। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने निकल शिवपाल सिंह यादव ने ताबड़तोड़ रैलियां कर जनता से समाजवादी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। साथ ही उन्होंने पहले चरण में हुए मतदान में अपनी लगभग 45 सीटें मिलने का दावा भी किया है। उनका कहना है कि जनता का अपार समर्थन समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। जनता 5 साल में बीजेपी सरकार से परेशान हो चुकी है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में फैक्ट्री का बॉयलर फटने से धमाका हुआ। हादसे के बाद पुलिस ने मलबे में से 2 लोगों के शव निकाले और अभी भी कई मजदूरों के दबे होने की आशंका है। पुलिस की टीम रेस्क्यू करने में लगी हुई है। सूचना के बाद राहत कार्य के लिए टीम बुलाई गई है। करीब 5 किलोमीटर दूर तक बॉयलर फटने से हुए धमाके की आवाज सुनाई दी थी। ये आज 3:30 बजे अभी अपराह्न में अचानक ये जय बाबा इंडस्ट्रीज है जहाँ जीन्स कलर डाई बनाने का काम होता है, यहाँ पर बॉयलर फटने से 2 मजदूरों की मृत्यु हो गई है और उसके अलावा और कोई अन्य व्यक्ति हताहत नहीं हुआ है। धमाका काफ़ी अचानक हुआ है जो यहाँ पे जो रहने वाले चौकीदार द्वारा बताया गया है और उसके बाद बॉडी को जो है तत्काल जो स्थानीय यहाँ जोखाबाद चौकी है उसके ईसाई हैं और थाना सिकंदराबाद के प्रभारी पहुंच गए। हम लोग सब लोग पहुँच कर यहाँ पर बॉडी को तत्काल हमने जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को भी सूचित कर दिया जा रहा है। इसके अलावा इसकी अग्रिम जांच की जाएगी कि क्या क्या किस परिस्थितियों में ये बॉयलर फटा, क्या मानक जो इंडस्ट्रीज के मानक हैं उनका फॉलो हुआ है कि नहीं। चित्रकूट के मऊ मणिकपुर विधानसभा 237 के प्रत्याशी अविनाश चंद द्विवेदी ने आज जनसंपर्क किया। जनसंपर्क यात्रा इस दौरान कई गांव में जनसंपर्क किया और लोगों का सहयोग भी प्राप्त किया और लोगों से वोट के लिए अपील भी की। अपना दल का सहयोग करें और एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाने में आप लोग योगदान दें। चंदौली में नाबालिग लड़की से एनसीसी कोच ने छेड़छाड़ की। पीड़ित ने ट्रेनिंग के दौरान गलत छूने का कोच पर गंभीर आरोप लगाया। पीड़िता ने बताया कि एनसीसी कोच पीड़ित को व्हाट्सएप पर अश्लील चैट करता था और बात न मानने पर पीड़ित को फेल करने की एनसीसी कोच धमकी देता था। फिलहाल इस मामले में पीड़िता ने कोतवाली में तहरीर दी है। पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी कोच के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मेरे साथ छेड़खानी हुआ है, बदतमीजी हुआ है। कौन किया है? जसपाल सिंह, वो कोच है वहाँ के। हाँ। और फोर्स में रहते हैं। अच्छा। मैं बी इस साल बी कर रही हूँ, बी मेरा फाइनल है एनसीसी बी। कितने साल से कर रही है? 2 साल से। 2 साल से जी। मैं शिकायत ही नहीं की, बाद में आप जा कर की हूँ। अच्छा, सीधा जी मतलब हाँ दी है पुलिस थाने में, क्या आश्वासन मिला है? लोग यही बोले हैं कि आपकी कार्रवाई होगी। अच्छा। आपको न्याय मिलेगा। फरीदाबाद में प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड की रहस्यमयी हालात में मौत हो गई है। सिक्योरिटी गार्ड कंपनी में आया था। गार्ड की मौत पर परिजनों ने इस बारे में जब कंपनी अधिकारियों से बात की तो उन्होंने पीड़ित परिजनों से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। बाद में हंगामा करते हुए विरोध में पीड़ित परिजनों ने कंपनी के बाहर शव रखकर प्रदर्शन किया। वहीं सेक्टर 58 थाना प्रभारी भारतेंदु की माने तो उन्हें सूचना मिली थी कि SD इंटरप्राइजेस कंपनी के बाहर डेड बॉडी रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। में ये 2 साल से काम कर रहे थे, ना तो इनका कोई PF कटता था, ना कोई कंपनी SI काटती थी, ना इनका यहाँ कोई हाजिरी का रजिस्टर हमने मांगा तो वो दिखाया गया कि भाई इनकी अटेंडेंस लगी होगी, तो हमसे ये कह दिया गया कि अटेंडेंस इनकी सेक्टर 24 में, हमारी जो दूसरा प्लांट है वहाँ रखी हुई है। और कंपनी की किसी भी बंदे ने अभी तक की डेट में हमसे आके ना कोई आश्वासन की बात करी, ना ये बात करी कि भाई कैसे हुआ है, क्या हुआ है। एक विनोद जी नाम से एक बंदा आता है जो कंपनी का GM बताता है अपने आप को, जब उससे बात होती है तो वो कह देता है कि ये दुकान यहाँ से हटाओ,
तो हमने कहा भैया जब तो आप कौन हो कि मैं, अब नाम भी नहीं बता रहे थे और वो भी नहीं बता रहे, बाद में वो कहते हैं कि मैं इसी कंपनी में हूँ। तो बैंक जब आप इस कंपनी के हो ही नहीं तो आप फिर मुद्दे पे बात क्यों कर रहे हो। तो यही बात हुई जी, अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला ना कुछ हुआ। अभी 42-43 साल की आयु थी इनकी, तो हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी के थ्रू लगे हुए नहीं, कंपनी के पेरोल पे थे। 11,000 रुपए सैलरी मिल रही थी, 12 घंटे की ड्यूटी थी। मानसिक शोषण और आंतरिक शोषण दोनों हो रहा था। हमारे पास जब सूचना आई है तो उसके बाद तत्काल में सारे लोग आ गए हैं। तो अभी तो ये है कि नॉर्मली हार्ट अटैक का है ये मामला, लेकिन पूरी तरह से अभी पोस्टमार्टम के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं और होगा अभी वो। तो पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आएगी तो उसमें पता चलेगा कि असल वजह क्या है। देखने पर साफ तौर पर ये दिल के दौरे का मसला है। इन्फॉर्मेशन मिली थी कि भाई कोई डेड बॉडी रख करके एसडी इंटरप्राइजेज के सामने लोग बैठे हैं और उसकी पहले तो यही बताया गया था कि हार्ट अटैक से डेथ हुई है, जिस पर हम आए हैं अभी। दोनों पक्षों की बातचीत चल रही है, अभी हम पोस्टमार्टम कराएंगे, उसके बाद जो कारण काज ऑफ डेथ होगा या जो एक कंप्लेंट देंगे, बयान लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई कर देंगे। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में आज देश की नामी कंपनी गोदरेज बिल्डर की ओर से प्लॉट अलॉटमेंट में धांधली का आरोप लगाते हुए प्लॉट धारकों ने जमकर बवाल काटा और कंपनी पर प्लॉट धारकों के साथ धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए। हंगामा बढ़ता देख कार्यक्रम के आयोजकों ने मौके पर पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराते हुए कड़ी कार्रवाई की बात कही। मेरे पास कॉल आया कि सर 142 नंबर चल रहा है, आपका नंबर 178 है और आप प्लीज आ जाइए। उसके ब्याह पे मैं यहाँ पर दोबारा वापस आ गया। अब देख लीजिए इन्होंने 178 को 778 कैसे किया, अब 778 को आज 178 कैसे हो गया, ये मुझे क्या लगता है आपको क्या हो रहा है? फ्रॉड 100% सिस्टम से कुछ छेड़ा इन्होंने, 100% है। 178 को 778, 778 को 178 क्यों किया इन्होंने? गोदरेज कंपनी क्या बना रही थी उधर जहाँ पर प्लॉटिंग चल रही है? केवल प्लॉटिंग चल रही फिलहाल, बिल्कुल प्लॉटिंग दिया। 3 महीने पहले मैंने 5-5 लाख के 2 चेक दिए, जिन्होंने साथ साथ कैश करा लिए। किस एरिया में? हाँ जी, किस एरिया, कौन सा है वो एरिया, इलाका? अब मुझे नहर पार का इलाका। आप कहाँ से आए हैं? मैं पलवल से आया हूँ। पलवल से आए हैं आप लोग? तो कुल मिला के पूरा फ्रॉड चल रहा है गोदरेज कंपनी का। देखिए ना, 178 पहले देने के बाद उन्होंने मुझे इनवाइट किया है और मेरे को 4 दिन के बाद कल रात को ऐसा क्या हो गया जो कहती है कि आपका नंबर 778 है, लेकिन आज फिर 778 है। इन लोगों ने क्या काम किया है, इन लोगों ने सही प्लानिंग ये बनाई है कि एक बंदे को 4 प्लॉट देंगे, फिर वो बंदा हमें अप्रोच करेगा कि आपका मैं नंबर, जो आपका नंबर है वो मैं कंफर्म करवा सकता हूँ कंपनी में, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 4 प्लॉट है। वो फिर हमारे ही नंबर पे हमें 2-2.5 लाख रुपए प्रीमियम में वही प्लॉट सेल करेगा कि हमारी मजबूरी होगी कि आप वहाँ से ले लो, अगर हम नहीं लेंगे तो हमारी पेमेंट भी फंसी रहेगी और हमें बस घुमाते रहेंगे, यही काम चलेगा। गोदरेज कंपनी धोखाधड़ी कर रही है? हाँ, गोदरेज कंपनी की तरफ से धोखाधड़ी करेगी। बहुत अच्छा ब्रांड था, हम गोदरेज कंपनी के ब्रांड समझ के यहाँ पे आए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ महसूस नहीं हो रहा। कंपनी की तरफ से भी अभी कोई कंप्लेंट प्राप्त नहीं हुई है। एक पब्लिक मैन ने एक कंप्लेंट दी थी, उस कंप्लेंट के एवज में हम उसके लिए जांच के लिए, मेरा एएसआई विकास भी काम कर रहा है और मैं खुद देख रहा हूँ। फिलहाल जो लोगों को समझने से वो लोग अपनी जगह पे चले गए हैं। कंपनी की तरफ से यही बात थी कि जिसकी अलॉटमेंट है, जिसके पैसे आए उनको अलॉटमेंट होगी और उसके लिए अलग से मैं रखा जाएगा। फिर भी एट प्रेजेंट खड़े होने के साथ साथ जो कंप्लेंट प्राप्त होगी उसमें कार्रवाई कर देंगे। फिलहाल शांतिपूर्ण माहौल है, कोई ऐसी बात नहीं है। गोरखपुर में पुलिस ने एक ऐसे शातिर चोर को गिरफ्तार किया है जो ओएलएक्स के माध्यम से गाड़ी खरीदने व देखने के बहाने गाड़ियों की चोरी कर फरार हो जाता था। गिरफ्तार शातिर चोर गोपालगंज बिहार का रहने वाला है। 2 फरवरी को यह गोरखपुर में ओएलएक्स पर लगाए हुए गाड़ी को खरीदने के लिए आया हुआ था। इसी बात की जानकारी पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शातिर को पकड़ लिया है। पीड़ित की शिकायत पर कैंट पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर इस घटना के महज 10 दिनों के अंदर खुलासा करते हुए बिहार के शातिर चोर को थाना क्षेत्र के रानीडीहा तिराहे से गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस ने चोरों के पास से 2 पहिया मोटरसाइकिल को बरामद किया है। फरवरी को एक घटना हुई थी, इसमें ओएलएक्स पे इमानुल्लाह है, इन्होंने अपने 2 पहिया वाहन है इनका, बजाज पल्सर पीले रंग की, इसको बेचने का एक ऐड दिया था। उसी ऐड के क्रम में इनको लोगों ने संपर्क किया और कहा कि हम आपसे गाड़ी खरीदने के लिए आ रहे हैं। तो ये जो बबलू कुमार हैं उसके 2 साथी मोहम्मद शरेयार और कैश आजम, ये गोपालगंज बिहार के रहने वाले हैं। ये लोग आए एयरपोर्ट पे अपने 4 पहिया वाहन के साथ,
और फिर उन्होंने दूसरी गाड़ी बुक की है चार पहिया, उससे ये लोग वो वाला माल सामान देखने गए ओएलएक्स वाला। फिर जब वो व्यक्ति उनको ये कहा कि गाड़ी में मेरे भाई बैठे हुए हैं, उनको जरा प्रशंसा कर दो तो हमारी गाड़ी खरीद लेंगे और तब तक हम आपकी गाड़ी चेक करते हैं, और उसके बाद ये उस गाड़ी को लेकर के निकल गए यहाँ से। उनको गिरफ्तार किया गया है, बबलू कुमार है, मुकदमा अपराध संख्या 89/22 धारा 379, 406, 411 थाना कैंट का है, इसका खुलासा हो रहा है। इसको रानीडिया तिराहे से आज 9:10 पर गिरफ्तार किया गया है, वो जेल भेजा जा रहा है और आगे की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।